क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का उदय हो पाएगा जिस तरह से उनकी राजनीति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है? भाई मेरे ऊपर ये आरोप था कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ और मैंने पिता पुत्र में झगड़ा कराया, तो मैंने मुलायम सिंह से बात करना भी बंद कर दिया, उनका टेलीफोन भी नहीं लेता। सामने से गुजर जाएं तो कहता हूँ अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। और मैंने कहा कि इस अजनबी मुलायम सिंह को जाने पहचाने पुत्र को मैं सादर समर्पित कर दूं, और मैं बाहरी हूं, मैंने अपना तखल्लुस बाहरी रख लिया है, अमर सिंह बाहरी। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मुझे जरा कम दिखाएं कि हमारी भूतपूर्व पुत्रवधु जिसका मैंने विवाह करवाया उसने एक बयान दिया, जब अमर सिंह जी आते हैं तो मैं टीवी बंद कर लेता हूं। तो घर की गृहणियां उनके मन बदलाव का साधन टीवी ही है, तो आप मेरा ब्लैकआउट कर दीजिए ताकि मेरी पुरानी इसी सही लेकिन पुरानी पुत्रवधु को टीवी बंद ना करना पड़े। आप सत्यजीत राय का एक संस्मरण पढ़िए, वो एक फिल्म बनाना चाहते थे अमिताभ बच्चन के साथ, नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, सत्यजीत राय उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनकी एक दिन की कीमत करोड़ों की होती है, उसमें ऐसी कई फिल्में बन जाएंगी। अमल सर आपके बारे में कहा जाता है आप लोगों की मदद करते हैं, बच्चन साहब की आपकी मदद, बहुत सारे उद्योगपतियों की आपने मदद की उनके, लेकिन देखा जाता है कि आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या कारण कि आप छोड़ने की कोशिश करते हैं? अब ये प्रश्न आप उनसे पूछिए, मतलब हम अगर किसी को भोजन कराते हैं उत्तृप्त होकर के, बजाय धन्यवाद देने के लिए मुझे माँ बहन की गाली देता है, तो ये प्रश्न आप उनसे पूछेंगे कि खाना उनका खाया और गाली भी दे रहे हो, या मुझसे पूछेंगे? जी 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 ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो बेगुनाह मारे गए इन दंगों में, ये फिल्म उन लोगों के लिए जो 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के आसपास की उम्र के हैं कि देश का इतिहास क्या है, ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो नहीं जानते कि जैसा अभी बड़े भाई ने बताया कि जब मूर्ति रखी गई तो उसको रखवाने वाले वहां से सांसद तक बने नायर साहब, ये फिल्म उन लोगों के लिए जानकारी है कि क्या क्या इस देश में हुआ। तो हम चाहेंगे कि इस फिल्म के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है और चाहा है कि देश में जो एक वातावरण है जो हो गया हो गया, और इतिहास से अब हम सबक लेके आगे अच्छे काम करें। ये फिल्म एक उन लोगों के लिए एक माध्यम है जो हम लोगों ने दिखाने का अयोध्या के पीछे का कोशिश करी है। ये फिल्म जो समर्पित है उन लोगों के लिए भी है जैसे इन्होंने कहा सुनील जी ने कि जो कि खामखाई मारे गए, वो ये फिल्म उनको भी समर्पित है जो कि बहुत बड़े राजनीतिक बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट किया जिससे कि हमारा हिंदुस्तान रुक गया, वो तुष्टीकरण पोलराइजेशन में रुक गया। हम ये चाहेंगे हिंदुस्तान आगे बढ़े, विकास हो, डेवलपमेंट हो, ये सब बातें कुछ भी सेकेंडरी हैं, इनमें कोई दम नहीं है कि आप ये हो आप ये हो। हम वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, एंड लेट्स थिंक अबाउट अ गुडनेस फॉर आवर कंट्री, लेट्स मूव अहेड। और ये फिल्म एक डॉक्यूमेंटेशन है, हैट्स ऑफ टू मिस्टर सुनील जिन्होंने इस विचार को सोचा और इसको डॉक्यूमेंटेशन दिया, एक अच्छी सिनेमेटिक डिजिटल फिल्म बनाई, और इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। एंड आई होप कि सारी इंडिया और जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं वो इसको एंजॉय करें और इसके बाद सिर्फ आगे के बारे में सोचें कि हिंदुस्तान आगे जाए, दैट्स इट। एक मिनट, ठीक है, मुद्दा विकास हो, और कहा जा रहा विकास मर गया, विकास को स्वर्गीय कहना ये सबसे बड़ा विनाश है। जो लोग कह रहे हैं कि विकास गुजरात में विकास मर गया, यानी विकास स्वर्गीय हो गया, विकास स्वर्गीय नहीं होता, विकास को स्वर्गीय घोषित करना अपने आप में एक अच्छा बयान नहीं है। विकास शाश्वत है, निरंतर है, अमर है, माता के भ्रूण से लेकर के प्रसव के बाद बालक का विकास मृत्यु तक होता है, और देश का विकास तो अनंत है, देश कभी भी विकास रुकता नहीं। तो मोदी जी
ने भी पिछले चुनाव में जो उनको भारी बहुमत मिला वो हिंदू मुसलमान के मतों के अंतर के कारण नहीं बल्कि विकास की आशा पर मत मिला। तो मेरा अनुरोध है कि विकास के मरने की बात स्वर्गीय होने की बात न माने विकास बल्कि विकास के जागृति की उत्पत्ति की उन्नयन की निरंतरता की के यथार्थ को मानकर अपना बहुमूल्य समर्थन देश की जनता दे। इनका कहने का मतलब था मूर्ख राजनेता नहीं चालाक राजनेता जो चालाक और धूर्त राजनेता जो हिंदू और मुसलमान में बल्कि भेद पैदा करके भारतीयों को बांटकर जो विकास के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं उनके ऊपर इनका कटाक्ष था। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो विकास को मुद्दा बनाते हैं उनके ऊपर हमारा कटाक्ष बिल्कुल नहीं। करें आप हमारे साथ बहुत दिनों बाद आप जल्दी मिलते नहीं है जब आप आए हैं तो ये सवाल पूछना बेहद लाजमी है कि इलेक्शंस हुए थे और उस वक्त कहा गया था अखिलेश यादव अभी सुमित्रा महाजन के भोज में मिल गए थे। मैंने उनको देख करके उनके रुख से रुख पीने मिलाया। मैंने पिता मुलायम सिंह को सादर समर्पित कर दिया अखिलेश यादव और अमर सिंह बाहरी अब बाहरी है तो अब तो बाप बेटे एक हो जाओ। अब मुझे आप अखिलेश की बात मानता हूँ हमारे साथ बहुत दिन रहा है अमर सिंह बाहरी मैं आपको एक आखिरी सवाल आप हमें मिलते नहीं है जल्दी एक और सवाल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उन्हें बुलाएंगे गुजरात चुनाव यही मिला पांच या दस सात मिले तो पंजा को पंजा मिला अखिलेश की वजह से। मैं राहुल जी हमारे मित्र हैं। अब कल ये सवाल उठ रहा था कि अगर मोदी जी गुजरात में हार गए तो खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश का